हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू ग्लोबल इंस्टीट्यूट ऑफ साइबर सिक्योरिटी एंड एथिकल हैकिंग। आज हम लोग OSCP के बारे में समझेंगे, OSCP एग्ज़ाम के पैटर्न क्या है और OSCP एग्ज़ाम क्रैक करने के लिए आपको क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, क्या क्या नॉलेज आपको आनी चाहिए पेनिट्रेशन टेस्टिंग फील्ड के अंदर, वो सारी चीज़ें हम लोग कवर करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं OSCP के लिए प्रिपरेशन आपको कहाँ से स्टार्ट करनी है। तो आप ट्राई हैकनी, हैक द बॉक्स, वर्ल्डहब जैसे प्लेटफॉर्म्स पे CTFs होते हैं, वर्चुअल मशीन्स होती हैं, जो वल्नरेबल होती हैं आप उनको टारगेट कर सकते हैं। वहाँ से आप अपनी जर्नी स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले आप ट्राई हैकनी पे जाइए और उस पर बहुत सारे ऐसे तरीके से लर्निंग पाथ्स हैं जो आपको हेल्प करेंगे, आपको बिगिन करने में हेल्प करेंगे कि आप कैसे स्टार्ट कर सकते हैं, किस तरीके से आपको पेनिट्रेशन टेस्टिंग परफॉर्म करनी है, उसकी मेथडोलॉजी क्या होती है, कौन कौन से टूल्स आप यूज़ कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें आपको ट्राई हैकनी एंड हैक द बॉक्स में आपको बताया जाएगा। वल्नहब पे भी बहुत सारी ऐसी मशीन्स हैं जो कि OSCP लेवल की मशीन्स होती हैं, आपको वहाँ पे देखने के लिए मिल जाएंगी और आप उन मशीन्स को सॉल्व करना स्टार्ट करिए। धीरे धीरे आप दिन में एक मशीन स्टार्ट करिए, फिर आगे जाके जब आपकी कंटिन्यूटी बन जाएगी तो आप 2 से 3 मशीन्स एक दिन में सॉल्व करेंगे। एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि आपको OSCP के लिए रिपोर्ट राइटिंग आनी चाहिए, तो आपको रिपोर्ट कैसे जनरेट करना है वो आप प्रैक्टिस करते समय ही याद में रखते रहिए ताकि आपकी जो रिपोर्ट है वो प्रॉपरली बन पाए, राइट। सो इसके अलावा अगर मैं एग्ज़ाम के पैटर्न की बात करूँ, सो एग्ज़ाम में आपको पता है कि 2 डेज का एग्ज़ाम है, 48 आवर्स का एग्ज़ाम है ये, जिसमें से फर्स्ट डे 23 आवर्स 45 मिनट्स आपको लैब सॉल्व करनी रहेंगी, मशीन सॉल्व करनी पड़ेगी, पेनिट्रेशन टेस्टिंग परफॉर्म करनी है और नेक्स्ट के जो 24 आवर्स हैं उसमें आपको रिपोर्ट राइट करनी है। एग्ज़ाम में आपके पास टोटल 6 इंडिपेंडेंट मशीन्स आ सकती हैं, जहाँ पे कुछ एक्टिव डायरेक्टरी के एनवायरनमेंट की मशीन्स होंगी, जहाँ पे 3 मशीन्स होंगी, 2 क्लाइंट मशीन्स एंड 1 डोमेन कंट्रोलर, जिसको सॉल्व करने के बाद आपको 40 पॉइंट्स मिलेंगे। एंड अगर आप दूसरी तरफ 3 इंडिपेंडेंट मशीन्स की बात करें तो वहाँ पे लिनक्स या विंडोज़ के कोई भी एनवायरनमेंट की मशीन हो सकती है और एक मशीन सॉल्व करने पे आपको 20 पॉइंट्स मिल सकते हैं अगर आप लोअर लेवल प्रिविलेज और हायर लेवल प्रिविलेज दोनों गेन कर लें। सो टोटल आपको लगभग 70% मार्क्स चाहिए पड़ेंगे, 70 मार्क्स चाहिए आपको आउट ऑफ 100 ताकि आप ये एग्ज़ाम को क्लियर कर सकें। सो आई होप दैट दिस वीडियो वॉज इन्फॉर्मेटिव एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर यू फ्यूचर।